क्वेस्ट कॉर्प ना सीएफओ रवि विश्वनाथन आपकी साथ जुड़े रहा है। रवि सर गुड आफ्टरनून, और सबसे पहले तो नंबर्स के ऊपर आपके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने देखे हैं। चैलेंजिंग क्वार्टर से बाहर आ चुके हैं हम, किस तरह से देख रहे हैं सर आप नंबर्स को, एक ओपनिंग कमेंट्स आपके। आप तो ठीक बोले कि हमने वेरी चैलेंजिंग क्वार्टर से बाहर निकले हैं, और बाहर निकले हैं विद वेरी मिनिमल डैमेज कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। एंड द Q2 तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। Q2 से आगे अभी Q2 Q3 आर द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर आवर कंपनी ऑलवेज, सो इट इज लुकिंग स्ट्रांग। हैविंग सेड दैट, अभी कस्टमर्स आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। People don't want to, my customers don't want to be caught on the wrong foot again. So they are a little careful, but growth is back. Most of our businesses are doing good. Hamare jo operating asset management ka jo vertical hai, we have facilities, security and catering. Ye tino business Q1 of last year se iska to bahut, mean they have had a very bad, it's been badly impacted. इसके लिए तो ऑफिसेस खुलना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव टू रीओपन, दैट्स व्हेन इट विल स्टार्ट बाउंसिंग बैक। अदरवाइज आई थिंक फ्रॉम अ मार्जिन पर्सपेक्टिव Q1 विल बी द लोएस्ट मार्जिन दैट वी कैन थिंक ऑफ, बिकॉज देयर हैव बीन सम वन टाइम कॉस्ट दैट वी हैव टेकन, एंड वी विल सी अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन एज वी गो फॉरवर्ड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड इवन एज वी गो फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर ईयर्स। ऑल अदर बिजनेसेस आर डूइंग वेल, सो वी आर आई थिंक इन अ प्रीटी गुड स्पॉट राइट नाउ। ओके तो ये बात तो है। अब क्लाइंट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डील विंस वगैरह आप बता सके तो यहाँ से आगे, और जिस तरह से सिचुएशन है उसको देखते हुए पाइपलाइन कैसा दिख रहा है सर आगे के लिए, ऑर्डर्स का बात करें तो पाइपलाइन तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है हमारे। जुलाई नंबर्स आर एनी इंडिकेशन, आई थिंक इट्स कमिंग बैक वेरी स्ट्रांगली। द बेस्ट पार्ट वॉज हम जो नंबर्स प्रेडिक्ट किए थे, प्रोजेक्ट किए थे Q1 में, वो नंबर्स नहीं, मीन दे वर नॉट लॉस्ट फॉर एवर, द नंबर्स हैव बीन डिलेड। सो आई थिंक सम ऑफ द कैचअप ऑफ Q1 विल ऑल्सो हैपन बिटवीन Q2 एंड Q3। वी हैड सम गुड कस्टमर विंस इन द लास्ट, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ, वी साइन सम गुड नेम्स इन कस्टमर्स अक्रॉस ऑल बिजनेसेस, वेदर इट इज IT स्टाफिंग, जनरल स्टाफिंग, BPO सर्विसेज, facilities, sub ke sub business mein we have signed up new customers and they're all starting to fire up right now. Okay, सिचुएशन को देखते हुए मार्जिन आप अभी भी होल्ड अप करते हुए यहाँ से आगे देख रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है उसको देखते हुए रवि सर? Absolutely. I mean, हमारे ये जो मार्जिन जो हमने Q1 में रिपोर्ट किए हैं वो शायद हमारे लिए इस साल का लोएस्ट होगा margin percentage. Like I said, it can only improve because we had some one-time hits. ये Q1 का जो lockdown था, उसका भी असर पड़ा हुआ हमारे margin के ऊपर. So and these will go away into the future, unless there is a very bad third wave. But given the vaccination, the pace of vaccination, and people are, I think, a little more careful than what they were before the second wave. So I don't think the threat of a third wave should be as big as what we saw in wave 2, but you have to be careful. Okay sir, aur ek aakhri cheez janna chahenge, promoters jo hain wo constantly sell kar rahe hain stock apne hisse se, isko kis tarah se dekhna chahiye aur kya koi changes aap dekh rahe hain aane wale waqt mein? ye promoters to abhi bech rahe hain, ek do teen saal ke baad bech rahe hain. ये तो ज्यादातर, आई मीन यू हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग इन द लास्ट 2-3 इयर्स इज व्हाट आई वुड थिंक, एंड दिस इज नथिंग वेरी, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक वन नीड्स टू पे अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस। मे बी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी हैव डिटेल्स ऑफ हु हैज बॉट द शेयर्स, दैट विल थ्रो अ लॉट मोर लाइट टू व्हाट मेड द प्रमोटर सेल। आई थिंक लेट्स वेट टिल द एंड ऑफ द डे एंड लेट्स सी हु हैज पिक्ड अप दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। आई थिंक दैट विल थ्रो अ लॉट मोर लाइट टू why the promoters have sold and what this means to the company and to the other investors. Okay sir, thank you so much for connecting hamare sath judne ke liye aur ye sari insights hamare sath share karne ke liye. Thank you so much sir.